हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एक्सरसाइज नंबर 1 है, इन व्हिच वी विल सी द वर्ड सम्स और नंबर स्टोरी सम्स ऑफ डेसिमल्स। ओके, हमने डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन सब कुछ देख लिया, सीख लिया। अब हमें नंबर स्टोरी सम्स सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर स्टोरी सम्स ऑफ डेसिमल्स। ओके, सम ऑफ द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज आई विल डू एंड रिमेनिंग सम्स वी विल ट्राई टू डू ऑन योर ओन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इन अ डांस कॉन्टेस्ट ओनली डॉल्स टीम गॉट 9.8 पॉइंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, 9.0 पॉइंट्स फ्रॉम द जजेस एंड 9.6 पॉइंट्स फ्रॉम द टीवी व्यूअर्स। व्हाट वाज द टीम्स टोटल स्कोर? ओके, टोटल मतलब आप क्या करते हो? एडिशन। If you are asked to find out the total of something, then you will add the given numbers. Okay? But we will not add directly. We will have to write down the statements in number stroke sums. Okay? So I will write down the statement and addition you will do on your own. Rupees 9090.
Robin had rupees 150.00 and he used. उसने use कितने का लिए वो तो हमें अभी तक नहीं पता है क्यों? क्योंकि altogether addition कितनी होगी? Answer क्या होगा? वो अभी तक हमने नहीं किया है. और find 7 9 plus 8 17 1 plus 1 2 11 and 14 137.75 उसने यूज कर लिए चीजों बनाने को. ठीक है, तो दे विल बी सबट्रैक्ट 137.75. The other number.
मल्टीप्लाई का आंसर आपको दिया है एंड वन ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो दो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसमें से एक नंबर आपको दिया है एंड आपको दूसरा अगर रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है कि 0.05 के साथ उसे क्या मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब आपको डायरेक्टली क्या करना होता है डिवीजन व्हेन यू आर गिवन द प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द नंबर्स देन यू विल डिवाइड टू फाइंड आउट द अदर नंबर।
₹175। How much does a ship cost? Okay, ring मतलब क्या? 500 pieces of paper. Okay, 500 pieces की price अगर 175 है, तो 1 piece की price कितनी होगी वो आपको find करना है. Okay, cost of 500 sheets of paper. Thank you everyone for watching my video.